दोस्तों, बहुत से लोग अपने वेट ना बढ़ने की वजह से परेशान रहते हैं, ये सोच कर कि वो इतना खाते हैं फिर भी उनका वेट ही नहीं बढ़ता। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ज़्यादा खाने से आपका वेट कभी गेन नहीं होगा। जब तक आपको इस चीज़ का पता ना हो कि क्या खाने से आपका वज़न बढ़ना शुरू हो सकता है, तो दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ 5 ऐसे फूड्स जिनको आप रेगुलरली अपनी डाइट में कंज्यूम करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका वेट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मिल्क और योगर्ट, यानी कि दूध और दही। दोस्तों, आपने बचपन में सुना होगा कि दूध पिया करो ताकत आएगी, तो दोस्तों आपने वो गलत नहीं सुना। मिल्क आपके बॉडी को बहुत सारे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कैलरीज देता है, जो कि आपके बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। जितना ज़्यादा आप कैलरीज कंज्यूम करेंगे, उतना जल्दी आप वेट गेन ईजिली कर पाएंगे। आपको एक कप मिल्क में आपको 150 कैलरी इजीली मिल सकती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आप अपने खाने में दही को भी ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन सोर्स है। दूसरा है दोस्तों, पीनट बटर। दोस्तों, पीनट बटर एक बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करे जाने वाला फूड है वेट गेनिंग के लिए। दोस्तों, आप इसको ब्रेड के साथ साथ इसको अपने शेक में भी ऐड कर सकते हैं। ये आपको 2 स्पून में 16 ग्राम ऑफ गुड फैट के साथ साथ 188 कैलरीज और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन जैसे कार्ब्स, प्रोटीन और विटामिन आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है। दोस्तों, पीनट बटर एक बहुत ही अच्छा सोर्स है वेट गेनिंग के लिए। अब आते हैं दोस्तों हमारे अगले फूड पर, जो कि है आलू। दोस्तों, आलू बिल्कुल ही सिंपल और सभी के घरों में होता है। दोस्तों, इसे सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स माना जाता है कार्ब्स के लिए। इसी के अल्टरनेट में आप स्वीट पोटैटो भी ले सकते हैं। दोस्तों, 2 से 4 उबले हुए आलू आप रोज़ अपनी डाइट में ऐड करिए एक टाइम, और तब आप देखिएगा कि आपको इससे कितनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है, आपको थकान कम हुआ करेगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक मीडियम साइज़ आलू कम से कम 265 कैलोरीज कंटेन करता है, जो कि आपको एक महीने में असर दिखा के रहेगा आपका वेट गेन कर। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप जिम जाते हैं तो आप 2 आलू अपने जिम जाने से 30 से 40 मिनट पहले अगर दही के साथ लेंगे, तो ये आपके लिए प्री वर्कआउट का भी बहुत अच्छा काम करेगा। अगला फूड है दोस्तों, नट्स, मतलब कि हमारे ड्राई फ्रूट जैसे कि बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट और डेट्स। ये सब दोस्तों, अगर आप दिन में एक टाइम अपनी मील के साथ लेंगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने के लिए और साथ ही साथ आपका वेट गेन करने के लिए भी। और आप दोस्तों इन्हें रात को पानी में भिगोकर भी सुबह खा सकते हैं। लास्ट है दोस्तों, चिकन। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि 90% लोग जो जिम जाते हैं वो अपनी डाइट में चिकन ऐड ज़रूर करते हैं। दोस्तों, चिकन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज तो होती हैं, पर उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बाकी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा होती है। आपको 100 ग्राम चिकन में 30 से 32 ग्राम प्रोटीन आराम से मिल जाता है, जो कि एक अच्छा खासा परसेंटेज माना जाता है। पर दोस्तों, जो मेरे भाई लोग वेजिटेरियन हैं, तो मैं उनके लिए सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी डाइट में पनीर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पनीर एक ज़्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव साबित होगा चिकन के कंपैरिजन में आपके वेट गेन डाइट के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के लिए एक लाइक करिए, और फिटनेस से जुड़ी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।